चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्टिशन नंबर टू। इलास्टिशन नंबर टू भी जनरल एंट्री वाला है, जनरल प्रॉपर का ही है तो जनरल एंट्री ही होगी। रिकॉर्ड द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर इन श्री अमरनाथ बोला हुआ है, तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर ऑफ श्री अमरनाथ यहाँ पे हम लिख देंगे और यहाँ पे डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गिव गुड्स ऑफ 1500 इन चैरिटी। चैरिटी में गुड्स देते हैं बच्चा, ये गुड्स अदर देन सेल्स है तो ऑलवेज परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट क्या हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान में रखना है एक टाइप का चैरिटी बिजनेस के लिए डोनेशन है और वो एक्सपेंस भी है इसलिए डेबिट होगा, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा या चैरिटी बोला हुआ है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। चैरिटी हो तो चैरिटी लिखना है, आपको डोनेशन लिखना है तो डोनेशन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स 3000 एज अ फ्री सैंपल। तो ये बिजनेस के लिए आपने एडवर्टाइज की हुई है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस डेबिट होगा एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट होगा, परचेज आप कैश एडवर्टाइज तो ऑब्वियसली उससे ही पेमेंट होता है। जैसे आप प्रिंट मीडिया में देते हो तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, आपने वो जैसे उसके लिए पेमेंट किया हुआ है तो। आपके समझ लो कि न्यूज़पेपर के अंदर आपने एडवर्टाइज की तो न्यूज़पेपर वाले को आपने पैसे दिए तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बात मैंने खाली समझाने के लिए बोली। यहाँ की बात करते हैं तो हमने गुड्स दिया हुआ है तो गुड्स बिजनेस में से जा रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, गुड्स अदर देन सेल है। और दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है यहाँ पे मेन पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स 3000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है कि परचेज जो होगा वो क्रेडिट होगा और डेबिट जो होगा वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। थर्ड, हमने गुड्स उठा लिया इस बार, गुड टू गुड्स ऑफ 2500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ओनर जब भी अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले जाएगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये समझ लो कि उसने पर्सनल पर्पज के लिए बैंक में से विदड्रॉ किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा और इसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, गुड्स ले जाएगा तो परचेज अकाउंट होगा। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, ये खाली देखना है तो देख लो, ड्रॉइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ, बिल्स ऑफ 4000 एक्सेप्टेड बाय प्रियंका वाज डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इसमें क्या है, आप डायरेक्ट ही एंट्री करने जाओगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसके पहले की एंट्री पहले कर दो। जब एक्सेप्ट प्रियंका ने एक्सेप्ट किया होगा तब क्या एंट्री की होगी, तो बहुत सिंपल है, जब प्रियंका एक्सेप्ट करेगी तो हमारे लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल प्रियंका अकाउंट क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट होता है, हमने इलास्टेशन वन में भी बोला था। हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा, बिल्स पेबल और क्रेडिट होता है, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है तो वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है और डेबिट होता है। सीधी बात ध्यान रखो, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट जब उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा तब, और मिस्टर पी नहीं है तो प्रियंका है तो पी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब जब डिसऑनर हो जाता है तो इसका उल्टा हो जाता है तो प्रियंका अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल, बहुत खाली ध्यान रखना है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ 3500 रिसीवेबल फ्रॉम नरेश कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम हिम। नरेश भाई ने हाथ खड़े कर दिए, अब मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा तो हमारे लिए तो ये बैड डेब्ट्स हुआ तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड नरेश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट एंड नरेश अकाउंट क्रेडिट, सिंपल है। 3500 आगे चलते हैं। सिक्स्थ वाला पॉइंट, बिल्स ऑफ 2000 एंडोर्स इन फेवर ऑफ पंकज अगेंस्ट द डेट ऑफ 2050। अब समझना, हमने ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गायब कर देता हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिक्स में, बिल्स ऑफ 2000 एंडोर्स इन फेवर ऑफ पंकज, तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल था जो हमने पंकज को दे दिया। अब ये ध्यान में रखना, जब बिल्स रिसीवेबल बिजनेस में आता है ना तब डेबिट होता है और बिल्स रिसीवेबल बिजनेस में से जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो हमने तो बिल्स रिसीवेबल दे दिया तो बिजनेस में से जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट होगा। दूसरा डायलॉग ये ऐसे ही याद रखो, बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। बढ़ कैसे रहेगा कि हमने किसी से बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है तो हमारा डेबिट होगा, हम किसी को बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। अब पंकज को हमने देना था 2050, हमने दिया 2000 तो 50 रुपीज का हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। अब देखो मैं लिखवाता हूँ पंकज क्या होगा, पंकज 2050 पहले वो लिखा, बिल्स रिसीवेबल हमने लिखा 2000 एंड डिस्काउंट रिसीव लिख दिया 50। और इसके साथ हमारा ये सिंपल पॉइंट है, फिर से समझो,
पंकज हमें वो पंकज को पैसे देने हैं तो पंकज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पैसे इस बार पैसे नहीं दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल दे रहा है कि लो ये बिल्स रिसीवेबल रख लो आप और ड्यू डेट पे आप जाना कलेक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, टिक कर देना। सेवेंथ में गुड्स ऑफ 5000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 4000। ये बच्चा ऑलरेडी बच्चों ने जनरल एंट्री में बहुत प्रॉपर किया होगा, जिसमें क्या है कि सिंपल मुझे 5000 मेरा गुड्स था, इंश्योरेंस कंपनी में 5000 की जगह 4000 ही हमने उन्होंने क्या किया क्लेम एक्सेप्ट किया, 1000 का लॉस हो गया। तो सिंपल है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस जो हुआ 1000 का लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा एंड परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर, समझ में आ गया? 4000, 1000 एंड 5000 करके हमने लिख दिया। सिंपल, समझ में आ गया आपको? और लास्ट में फर्नीचर, ये थोड़ा मुझे ऑलवेज इंपॉर्टेंट लगता है, ये जनरल एंट्री में भी था, कई बच्चों को नहीं पता होगा, उनके लिए पहली बार होगा, सिंपल बात है। चलो, तो परचेज फर्नीचर 8000 अगेंस्ट गुड्स ऑफ 7000, वो देखो हमें कितने का गुड्स हमने दिया, गुड्स हमने दिया 7000 का, तो उतनी ही एंट्री करनी है। कितने का फर्नीचर था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस में मुझे कितने की कॉस्ट पड़ी तो 7000। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है इसलिए डेबिट, एंड क्रेडिट हो रहा है, गुड्स हमारा कम हो रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ हमारा ये सम खत्म, टोटल कर दो और इसके साथ आपका सम खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बोलूं तो दो मुझे लगता है ना, वो डायरेक्ट प्रियंका वाला, एक सिक्स वाला और ये एट्थ वाला, ये थोड़ा अच्छा है जो आपको कम देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर एक बार लिख लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए सम के साथ।